तो अपनी पेंसिल खो दी। मैं काम करती हूँ, डुगू की पेंसिल ले लेती हूँ। डुगू तू मेरी पेंसिल क्यों यूज कर रहा है? अरे दीदी ये तो मेरी पेंसिल है। डुगू झूठ मत बोल, मम्मी ने मुझे पिंक कलर की दिलाई थी, ये वही कलर है और ये मेरी है। ये मुझे मम्मी ने गिफ्ट दी है। झूठ मत बोल डुगू, मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे को पता होगा। नहीं दीदी आपकी वाली में पिंक कलर था, मेरी वाली में देखो ब्लू पिंक येलो तीनों कलर है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इसमें येलो ब्लू और पिंक था, उसमें यूनिकॉर्न भी लगा था, ये मेरी पेंसिल है। अरे दीदी ये मेरी, आप मानती क्यों नहीं हो? ये मेरी पेंसिल डुगू, और हाँ तेरी पेंसिल होगी ये मेरी पेंसिल है, इससे काम कर। अरे क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मम्मी डुगू ने मेरी पेंसिल ले ली है। डोरा एक छोटी सी पेंसिल के लिए लड़ती रहती हो तुम इतने छोटे से भाई से? मम्मी वो छोटा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर चीज मिल सकती है, आप हर टाइम उसको सारी इंपॉर्टेंस देती हो। अरे डोरा हमेशा बड़े को ही समझाया जाता है, और तुम्हें याद है कल राखी है? ऐसे भाई को मैंने बिल्कुल राखी नहीं मानी, मम्मा सबसे वर्स्ट भाई है। ऐसे नहीं बोलते डोरा, वो तुम्हारा छोटा भाई है ना। ऐसे छोटे भाई को मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। एक काम करती हूँ, डोरा दीदी से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो समझ जाए। दीदी दीदी हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। दीदी हम कह रहे थे ना आपको अपने भैया से नहीं लड़ना चाहिए था, आपको भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो उदास भी हो गए। तो मैं क्या करूं, रहे उदास? दीदी कल तो राखी है, और अपने भैया से आप लड़ लोगे फिर आप राखी कैसे मनाओगे? कल तो राखी है, मैं तो भूल ही गई, तो मैं क्या करूं? दीदी आपके पास भाई तो है ना, कम से कम जिसके पास भाई नहीं होता है ना उसे पता चलता है कि राखी का अहमियत क्या होता है। पहली बात तुम यहाँ काम करने आती हो तो काम करो, और जैसे ही काम खत्म हुए तो अपने घर निकल जाओ, मेरे सर पे मत खड़े रहो, जाओ यहाँ से। बेटे आरती दी तो जल्दी चली गई, क्यों? मम्मी कोई बात नहीं, एक काम करो आप मुझे 10 रुपए दे दो, मेरे को इरेजर खरीदनी थी। ठीक है ये लो, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी। राखी ले आई? तू हर साल राखी लाती है, तू मान की नहीं लेती कि तेरा भाई चला गया है? मुझे ना भाई की बहुत याद आती है, वो हमारे लिए हर साल राखी पे गिफ्ट लेके आता था अपने पैसे जोड़ के। तेरा कुछ नहीं हो सकता है।
राखी पे गिफ्ट लेके आता था अपने पैसे जोड़ के। मैं तो गिफ्ट आ ही जाएगा। भैया मेरे लिए ये वाला गिफ्ट पैक कर दो। ये लो भैया पैसे। तो डुगू कहाँ रह गया? पता नहीं मम्मा, अभी तो रेडी हो रहा था जब मैंने देखा था। डुगू, डुगू। चलो बेटे राखी कर लो। मम्मा डुगू मेरे लिए गिफ्ट तो लेकर आया होगा ना? हाँ हाँ। दीदी मैं इस बार गिफ्ट नहीं ला पाया क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ ना। इस बार तू कभी गिफ्ट नहीं लाता है डुगू, मेरे को नहीं बांधनी राखी मम्मा इसको। अरे बेटे ऐसे नहीं करते हैं डोरा। अरे डुगू बेटा छोटी छोटी चीजों के लिए आप दोनों लड़ते रहते हो, तुम लोगों को समझना और समझाना इतना मुश्किल हो गया है। आप गिफ्ट लाए तो थे, आपने दिया क्यों नहीं दीदी को? मम्मी डोरा दीदी को सिर्फ गिफ्ट से मतलब है, राखी से नहीं। वैसे भी वो उससे प्यार कहाँ करती है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तो तुम्हारी बहन है ना, और बिना दीदी के कैसे राखी बांधोगे, तुम्हारे हाथ खाली रह जाएगा। मम्मी मुझे भी बंधवानी राखी। आंटी आपको बुरा ना लगे तो मैं डुगू भैया को राखी बांध दूं? अरे वाह आरती, ये भी कोई पूछने की बात है, जरूर तुम मेरे बेटे को राखी बांध सकती हो। आओ डुगू, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदी तरह से बात करी। डुगू जितना मैं तुझसे लड़ती हूँ उतना ही ज्यादा मैं तुझसे प्यार भी करती हूँ, और तू तो मेरा सबसे छोटा प्यारा भाई है, तो क्या तू अपनी बहन को माफ नहीं करेगा? अरे दीदी मैं भी आपसे गुस्सा नहीं था, चलो अब जल्दी से आप भी राखी बांध दो। चलो आओ डोरा, आओ आरती। आपको क्या लगा आपका भाई आपके लिए गिफ्ट नहीं लाया? थैंक यू भैया। अब से आपका भाई मैं ही हूँ।
रक्षाबंधन के त्योहार का मतलब सिर्फ राखी और गिफ्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भाई बहन के प्रति अपने जज्बात और प्यार को बयां करने का है। हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।